नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट करवा रही हूँ। टेक्सटाइल यानी सिलाई के प्रैक्टिकल में कुछ प्रैक्टिकल जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जो हमारी दैनिक जीवन में भी काम में आते हैं, और उसमें कुछ उपकरणों के बारे में होता है, कुछ सैंपल्स, कुछ सिलाई, इन सब के बारे में। तो जो हमारा सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है कि जैसे सबसे पहले हम मशीन के बारे में पढ़ेंगे कि मशीन के कितने पार्ट्स होते हैं और क्या काम करती है वो, और मशीन के अलावा जो सिलाई में उपकरण काम में आते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कुछ सैंपल्स बनाएंगे, सैंपल्स मतलब कि जहाँ भी हमको सिलाई की ज़रूरत होती है, और बहुत तरह तरह की सिलाई की ज़रूरत होती है, हाथ की सिलाई या फिर मशीन की सिलाई या कच्चा या फिर बटन, बहुत सारे तरह के होते हैं। तो हम सारे गारमेंट्स तो नहीं बना सकते हैं, एक बार हमको सीखने यानी बिगिनर्स के रूप में हमको छोटे छोटे सैंपल्स बनाने चाहिए, और वही हमारे कोर्स में है। तो छोटे छोटे हम सैंपल्स बनाएंगे जो हमारे पूरे इस कोर्स में यूज़ होंगे, और उसके बाद में कुछ एम्ब्रॉयड्रीज यानी कुछ कढ़ाई के भी सैंपल्स हम बनाएंगे जो कि हमारे कपड़ों में बाद में काम में आएंगे, और उसके बाद में कुछ जो भी हमारे गारमेंट्स हैं हमारे कोर्स में, जैसे झबला है, छोटा झबला, बड़ा झबला, बेबी फ्रॉक, ब्लाउज़ और कुर्ता, सलवार, पायजामा, पेटीकोट, ये सब हम एक एक गारमेंट्स आपको बताते जाएंगे, और आप हमसे सीख कर और थोड़ा बहुत घर पे कर सकती हैं। और चूंकि पैंडमिक है और अभी क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, तो जितना हमसे बन पड़ेगा उस अनुसार हम आपको समझाएंगे, और कभी कोई दिक्कत होती है तो आप अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं ले रही हूँ सबसे पहले मशीन यानी सिलाई मशीन। तो ये जो है वो बेसिक सिलाई मशीन होती है, अधिकतर लोग आजकल इसको छोड़ चुके हैं, और उषा की, रीटा की और बहुत अच्छी अच्छी फैशन मेकर वो सब इलेक्ट्रिक मशीन्स पर आ गए हैं, लेकिन हमको बेसिक मशीन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो मशीन है, मशीन का काम है सिलाई करना। इसके कुछ पार्ट्स हैं, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली इसमें बता देती हूँ, उसके बाद में बोर्ड पर इसके जो मैं पार्ट्स बोल रही हूँ वो मैं लिख दूंगी, और वो आप एक एक लाइन में अपनी फाइल में या जो भी नोट्स बनाए उसमें नोट कर सकते हैं। तो ये है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन को हम अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो सबसे पहले है ये निडिल प्लेट। ये जो है निडिल प्लेट, निडिल प्लेट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये निडिल है, यहाँ जो है वो, ये जो है वो सुई है, सुई को हम निडिल बोलते हैं। तो सुई जो है वो अंदर जाती है, बाहर आती है, और इसलिए हम इसे निडिल प्लेट बोलते हैं। और ये जो साथ में है ये सरक भी रहा है और वापस ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये वाली जो स्टील की प्लेट है हम इसे स्लाइड प्लेट बोलते हैं। इसको सरकाने का क्या काम है, इसको हम सरका देते हैं। और फिर मैं जो तीसरा पार्ट बोल रही हूँ, ये अंदर जो है वो बॉबिन केस होता है, इसके अंदर सुई बाहर निकालेंगे तो बॉबिन जो है वो अंदर से निकल पाएगा, अंदर से बॉबिन केस हम निकाल के बता रहे हैं आपको, ये जो है वो बॉबिन केस है, और केस के अंदर ये बॉबिन है, बॉबिन के अंदर धागा भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो बॉबिन केस है और ये जो बॉबिन है ये इसके अंदर लगती है, और इसी का धागा इस सुई के अंदर से ऊपर आके और कपड़े पर सिलाई करता है। तो ये एक निडिल प्लेट हो गई, ये एक स्लाइड प्लेट हो गई, फिर ये बॉबिन केस हो गया ऊपर वाला, फिर बॉबिन केस, और उसके बाद में अंदर जो है वो बॉबिन हो गई जो कि इसमें धागा भरा हुआ होता है। उसके बाद में एक होता है क्लैंप स्क्रू,
क्लैंप स्क्रू ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्लैंप स्क्रू है। हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब अगर हम इसको खोलेंगे तो ये जो मशीन की सुई है ये निकल जाती है। ये जो सुई होती है ये इस प्रकार की होती है, ये कुछ इस प्रकार की होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ इसके फ्लैट वाला पार्ट है और एक तरफ इसमें गोल पार्ट होता है, तो और ये रहा इसमें छेद। तो ये जो मशीन की सुई लगी हुई है ये क्लैंप स्क्रू, क्लैंप मतलब उसको पकड़ने वाली चीज का स्क्रू, तो क्लैंप स्क्रू जो है वो सुई को पकड़ने का काम करता है। फिर है प्रेशर फुट। प्रेशर फुट मतलब ये जो सुई लगी हुई है इस पर निडल बार में, उसके नीचे आप ये देखेंगे पैर के जैसा, जो हमारी एड़ी होती है ना, एड़ी के शक्ल का, इसको हम कहते हैं प्रेशर फुट। और ये प्रेशर फुट का क्या काम है, यहाँ हमने मान लो जैसे कपड़ा है, कपड़ा हमने यहाँ रखा, इस तरह से रखा, और जब सिलाई कर रहे हैं तो हम पीछे से इसको दबा देंगे और ये जो है वो इस कपड़े को दब, अब अपन खींचेंगे तो भी ये नहीं खींचेगा, लेकिन अगर ऊंचा किया तो ये निकल जाएगा। तो ये प्रेशर फुट फुट होता है, ठीक है। फिर प्रेशर फुट लिफ्टर, तो ये ऊपर नीचे कैसे हुआ ये आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाती हूँ इस तरह से। ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये आपको दिख रहा है ये, तो इस तरह से अगर हम इसको ऊंचा करेंगे तो ये ऊंचा हो गया फुट, और अगर हम इसको नीचा कर देंगे, इसको हम प्रेशर फुट लिफ्टर कहते हैं। लिफ्टर मतलब उठाने का, ये प्रेशर फुट लिफ्टर होता है। उसके बाद में एक होता है टेकअप लीवर। टेकअप लीवर मतलब जब धागा जो है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, इस जगह से, यहाँ से आके इस जगह आएगा, और उसके बाद में ये इस जगह, ये जो है ये वाली जगह, मैं वापस आपको पास में से बताती हूँ, ये वाली जो जगह है, ये वाली, ये हमारी टेकअप लीवर होती है। ये जब सिलाई करते हैं, ये जैसे सिलाई कर रही हूँ मैं ये, तो ये ऊपर नीचे जाएगा, इस ये धागे को टेकअप लेके और जाता है और हमारी कपड़े पर सिलाई में मदद करता है टेकअप लीवर, ओके। फिर है टेंशन रेगुलेटर। टेंशन रेगुलेटर मतलब ये आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग है यहाँ, अब स्प्रिंग के यहाँ एक स्क्रू है, हम इसको कहते हैं टेंशन रेगुलेटर। मतलब ये दो पत्तियों के बीच में धागा जब है कि ऊपर से आएगा धागा, ऊपर से आके यहाँ आया, यहाँ से आने के बाद में इसमें आके और इस जगह से यूं वापस आता है और फिर नीचे आएगा। तो ये जो दो पत्तियाँ हैं, ये खुली हुई दिख रही है ये, तो ये पत्तियाँ, और इसको कई बार हमको बहुत ढीला धागा लेना होता है, तो इस वाले स्क्रू को आप ढीला कर दो, और टाइट अगर धागा लेना है तो हम इसको और ज़्यादा टाइट कर देते हैं, तो इसको हम टेंशन रेगुलेटर कहते हैं, ओके। उसके बाद में आप ये देख रहे हैं, अभी ये जो गिर गई थी, ये स्पूल पिन ये यहाँ लगी रहती है, ये किस चीज़ के लिए है, ये धागे की गट्टी, मतलब जैसे मैं दिखाऊं, ये धागे की गट्टी जो है वो यहाँ लगी रहती है, फिर यहाँ से आके और नीचे धागा आ जाता है, तो ये स्पूल पिन हो गई। और उसके बाद में इसमें एक होता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील मतलब मेन जो इसका पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपको दिखाई दे रहा है आराम से कि ये जो है वो फ्लाई व्हील है, और इस तरह से ये दिखाई दे रहा है फ्लाई व्हील आगे पीछे जाके और हमारी जो सिलाई है उसकी गति को आगे बढ़ाता है। इसको चलाता कौन है, इसको चलाता है एक हैंडल, ये वाला। अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये सिलाई मशीन चल जाएगी। ये बैकलाइट का या लकड़ी का होता है, और कई बार आजकल लोगों में इतनी ताकत नहीं रही है कि वो इसको चला सकें, तो इसको हटवा के
और यहाँ से पीछे एक मशीन फिट हो जाती है और मशीन के नीचे जो है वो इस तरह का फुट होता है, ये पैर मिल होता है और पैर से हम इसको दबाते रहते हैं, ये इस तरह से दबता है, ये इस तरह से, और ये जब दबता है तो ये मशीन चलती है और हमको यहाँ इस हैंडल की ज़रूरत उस वक़्त नहीं होती है। हैंडल के बाद में एक चीज़ और है इसमें, बॉबिन बाइंडर, ये आपको दिख रहा है इस जगह, जब हमको अभी मैंने बॉबिन बताई थी, ये वाली ये बॉबिन बताई थी, तो इस बॉबिन को धागा कैसे भरते हैं, यूं यूं नहीं भरते हैं, हम इसमें फंसाते हैं, इसमें फंसा के और जब हम इसको इसको ऊपर फ्री कर देते हैं कि भाई धागा जो है वो कपड़े पर ना जाए, और फिर जब हम इसको दबा के चलाएंगे, ये दबा के चलाएंगे तो फिर ये इसको दबाएंगे यहाँ, तब ये इस तरह से चल देगा और उसके बाद में ये भर जाएगा इसमें धागा, और इसे हम बॉबिन बाइंडर कहते हैं। बॉबिन बाइंडर के बाद में इसमें एक स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू होता है, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है ये स्क्रू, इस स्क्रू को यूं करके ढीला करके आप इसको नीचे और ऊपर, जितना नीचे लेंगे उतना छोटी सिलाई आएगी, जितना अपन इसको ऊपर मान लो 5 नंबर पे कर दिया और फिर सेट कर दिया, टाइट करना पड़ता है, ढीला नहीं छोड़ना है, तो 5 नंबर पे कर दिया तो बहुत बड़ी बड़ी सिलाई आएगी, जो गैदर्स बनाते हैं ना, मतलब फ्रॉक फ्रिल उसके लिए, तो उस तरह से ये जो है वो स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू हो जाता है। तो इस प्रकार ये मशीन के बारे में था। अब मैं आपको इसका चित्र और इसके जो पार्ट्स हैं एक बार वापस से इनको बता दूंगी, और वैसे आपने ये पुरानी तरह की मशीन देख ही ली, और इसी तरह से मैं आपको एक नई प्रकार की जो आजकल मशीन्स चल रही हैं, मतलब जो मैं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं, हम उसको यूज़ करते हैं, ये देखिए ये, तो इस तरह से दिखेगी ये आपको, ये इलेक्ट्रिक है, इसका ये जो एक प्लग है ये लगा दिया जाता है, ये मैंने अभी फुट बताया था, ये नीचे होता है, इसको दबाया जाता है, इसको दबाते हैं तो ये मशीन चलती है, ये इलेक्ट्रिक मशीन है। फैशन मेकर जो होती है वो है, इसमें बस थोड़ा सा ही फर्क होता है, चीज़ें वही की वही है, थोड़े से अलग फीचर्स होते हैं, भाई स्पूल पिन इसमें आगे भी आ जाती है, ये जो है इसमें स्पूल पिन पीछे है, ये फोल्ड भी हो जाती है, फिर ये इस तरह से आ जाती है, इसको इस तरह से कर देंगे, इसमें बाकी चीज़ें थोड़ी सी अलग अलग है, इस जगह से रेगुलेट करते हैं, और जो धागा है वो यहाँ से लेके वापस यहाँ आके इसमें से जाएगा, ये वाली जो जगह है इसमें से जाएगा, और जैसे उसमें ये हट गया था, इसमें अगर हम ये हटाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये हट जाता है, और इसमें हटाने के बाद में ये हमने हटाया, ये अब सामने वाला पार्ट हट के यहाँ बॉबिन केस और ये सब हो जाता है, ठीक है। फिर इसको हम बंद करके ऐसे भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन जगह नहीं है ना, तो हम कपड़ा कैसे वो रखेंगे, और वैसे इसमें सामान सुंगून होता है, तो हम इसको वापस से अंदर पैक कर देते हैं और इसका ये स्टैंड पूरा बन जाता है, और यहाँ से हम कपड़ा आराम से सिलाई कर सकते हैं, और जो बॉबिन भरने का है वो इस जगह है, और इस तरफ कर देते हैं हम इसको जब भरते हैं, फिर वापस इधर कर देते हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा जब कभी हमको आगे पीछे की सिलाई करनी होती है एकदम, तो हम इसको भी दबा के कर सकते हैं, और कई सारे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ देखकर और इसको सेट किया जाता है, कई तरह की इसमें सिलाइयाँ, ये जो सिलाई की जो फोटो दिख रहे हैं वो सारी सिलाइयाँ जिगजैग और ये सब जो है वो इसमें आ जाती है। ये बहुत ही बेसिक मशीन है, ये हर कोई कर सकता है, और कभी कभी जो है वो जैसे हमको इसको फ्री करना होता है, मान लो बच्चे हैं तो इसको बाहर निकाल दिया,
तो ये सिलाई जो मशीन है ये सुई नहीं चलेगी, तो बच्चे का हाथ इसमें नहीं जाएगा। फिर जब अपन काम कर रहे हैं तो इसको अंदर कर देते हैं, ये बाहर कर दिया, इसको बाहर खींच लेते हैं एक बार तो, और फिर अंदर की साइड कर देते हैं। ये बाहर है अभी, फ्री है ये इस जगह, और इसको अंदर कर देंगे तो ये आराम से हमारी सिलाई के लिए काम में आएगा। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल है। अब मैं आपको इसकी थ्योरेटिकल पार्ट वापस से बता देती हूँ चित्र में और लिखकर। थैंक यू।